हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में कुछ ऐसे ब्यूटी प्रोडक्ट के बारे में बताने जा रही हूँ जो मैंने कुछ महीनों से खुद यूज़ किए हैं और इसके बारे में मैं आज रिव्यू देने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं। मेरा आज का पहला प्रोडक्ट है गुड वाइब्स का जोजोबा स्किन बैलेंसिंग फेशियल ऑयल। एक सीरम है और इस तरह की पैकेजिंग में आता है और इसकी क्वान्टिटी 10 ml है। ये मैंने अमेजोन से ख़रीदा था। इसके अप्लाई के बाद स्किन टोन सच में बैलेंस करता है, ये इवन टोन बनाता है और सॉफ्ट बनती है स्किन, स्किन की इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करता है। ये बात मुझे सबसे अच्छी लगी। तो ये आप ख़रीद सकते हैं, एक बार ट्राई करना तो बनता है। मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट है पॉन्स लाइट मॉइस्चराइज़र नॉन ऑयली फ्रेश फील। यह है इस तरह के डिब्बे में आता है, मैंने अमेजोन से ख़रीदा था। इट्स अ वेरी लाइट मॉइस्चराइज़र विथ रिप्लेसिंग फ्रेग्रेंस। ये बहुत ज़्यादा लाइट है, इसके अप्लाई के बाद क्विक से एब्जॉर्ब हो जाता है, स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करता है। इसमें विटामिन ई है, ग्लिसरीन है जो स्किन को सॉफ्ट और ग्लोइंग बनाता है। ये ऑयली स्किन के लिए सूटेबल है, नॉर्मल स्किन के लिए सूटेबल है, लेकिन ड्राई स्किन के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। ये बहुत ज़्यादा लाइट है तो ड्राई स्किन के लिए सूटेबल नहीं है। मैं इसे लास्ट 3 months से यूज़ कर रही हूँ और ये मुझे इतना पसंद आया कि डेली यूज़ करती हूँ, डे क्रीम की जैसे मैं यूज़ करती हूँ। क्विक से एब्जॉर्ब हो जाता है, बहुत ज़्यादा लाइट है, ऑल सीजन चलने वाला प्रोडक्ट है ये। द नेक्स्ट प्रोडक्ट है रूप मंत्रा मुल्तानी D10 फेस पैक एंड हल्दी चंदन फेस पैक। ये इस तरह का पैकेजिंग में आता है और मैंने इसे 2-3 बार यूज़ किया है। दोनों पैक में मुझे सेम प्रोडक्ट लगा, सिर्फ इसमें हल्दी डाली हुई है, दोनों में सेम है। मुझे नहीं लगता ये इसमें ओरिजिनल मुल्तानी मिट्टी है, कुछ भी इफ़ेक्टिव नहीं है, स्किन को ब्रेक करता है। और इस पैक में हवा भरी हुई है, सिर्फ हवा है, इसमें थोड़ा सा ही क्रीम मिलेगा। रेडी टू यूज़ है इसलिए मुझे लगा अच्छा है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, निकाला और अप्लाई किया हो गया। लेकिन इसमें पूरी हवा ही भरी हुई है, प्रोडक्ट थोड़ा सा ही प्रोडक्ट है और वो भी इफ़ेक्टिव नहीं है, स्किन को ब्रेक करता है और ओरिजिनल मिट्टी लगती ही नहीं है, बिग नो। मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट है निविया मेन डार्क स्पॉट रिडक्शन क्रीम। ये इस तरह की पैकेजिंग में है, ये मैंने मेरे हस्बैंड के लिए मंगाया था। इट्स अ गुड फॉर विंटर सीजन एज अ मॉइस्चराइज़र। ये ऑयल बेस्ड क्रीम है, ड्राई स्किन के लिए सूटेबल है, अप्लाई के बाद थोड़ी देर बाद और स्किन को बहुत ज़्यादा ऑयली कर देती है, बहुत ज़्यादा ऑयली कर देती है स्किन को। तो सनी डे में अगर आप ये स्किन लगा के बाहर निकले तो ये आपके स्किन को टैन कर सकती है और 1 महीने से ज़्यादा अगर आप यूज़ करें तो आपके डार्क स्पॉट थोड़े से लाइट करती है, रिड्यूस नहीं करती है, थोड़े से लाइट कर देती है। मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट है पैराशूट एडवांस बॉडी लोशन कोकोनट मिल्क डीप नरिश। ये मैं इसे लास्ट 1 year से यूज़ कर रही हूँ, बहुत चलता है। अभी इसकी पैकेजिंग बदल गई है थोड़ी सी, ये वाला पोर्शन है ये चेंज हो गया है। इसमें कोकोनट ऑयल है, जैक ऑलिव ऑयल है, क्योकार्पिन ऑयल है, वैसलिन इंटेंसिव केयर, तो डीपली नरिश करता है स्किन को, सॉफ्ट हो जाती है स्किन और ये ड्राई स्किन के लिए तो बहुत अच्छा है। अभी विंटर का सीज़न चल रहा है तो विंटर में हर कोई अप्लाई कर सकता है और अच्छा है, मुझे अच्छा लगा। गाइस अगर आपको ये मेरा रिव्यू का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।